हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग तो नहीं, दोपहर हो गई है, 12 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरा गैस में बन रहा है। देखिए खाना मैं बना रही हूँ मिस्त्री के लिए। मिस्त्री एक तो मेरे हस्बैंड है और दूसरे मेरे देवर है, चाचा जी का लड़का है, तो वे दोनों मिस्त्री का काम करते हैं, तो उनके लिए खाना बना रही हूँ। और जो नरेगा की लेबर लगी होती है उन्होंने तो खुद के लिए लाया होता है खाना, इसलिए हमें नहीं देना पड़ता, वो खुद ही आते हैं। और देखिए अभी मेरा बन रहा है दाल और चावल। ये रखे मैंने चावल और इसमें रख रही हूँ दाल, इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। ये मैंने मिक्स दाल उबाल के रखी है, बस अभी इसमें तड़का लगाऊंगी और फिर खाना बनाऊंगी। कल ये बाजार गए थे, वहां से ये मसाले लेके आए हुए हैं। ये है मेथी, जीरा और धनिया, बस मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ, बाकी नहीं करती हूँ मसाले यूज़ ज़्यादा। तो अभी मैंने इनको डब्बों में नहीं भरा हुआ है, अभी डिब्बों में भरने के लिए निकाला है पहले इसमें, तो इन्हीं से डाल लेती हूँ, इसमें बाद में डाल दूँगी इनको डिब्बे में। हमारे यहाँ पर ना इस तरह की थैलियाँ मिलती है, हमारे यहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं होती, ये कपड़ों की होती है। और ये इसको जलाओ ना तो ये जल जाती है, या फेंको तो ये सड़ भी जाती है। इसमें डाल दिया है मैंने कड़ी पत्ता, ये देखिए नजदीक से दिखाती हूँ, ये है कड़ी पत्ता, लहसुन और थोड़े से खड़े मसाले, और बाकी ये जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं ना इनको थोड़ा सा मैं पीस दूँगी और थोड़ा ऐसे ही रख दूँगी। और साथ लाई हूँ हरे धनिया की पत्तियाँ और लहसुन की पत्तियाँ, हरा लहसुन की पत्तियाँ, और साथ में कटा बना के रखा है मैंने कुछ प्याज, इसको डालूंगी, और टमाटर डाल दिया मैंने इसमें प्याज। जो बचा हुआ है उसको डाल देंगे लहसुन और ठीक से निकाल लेते हैं टमाटर के दो दाने। लिया इसको कर लेते हैं टीवी में, एक मिनट रुक दो आऊं कि करूं। इतना बिखेर के रख दिया है मैंने किचन को, अभी देखिए अभी इनको उठा उठा के ना रख दिए जा रही हूँ। और यहाँ से पूरी की पूरी गंदगी साफ कर लेते हैं पहले। ओहो हो, मेरे चावल का पतीला उबलने लगा, इसमें चढ़ा लेते हैं ढक्कन यहाँ पे, और इनको रख देते हैं इनकी जगह पर। कूड़ा उठा के डाल देते हैं डस्टबिन में। इसके बाद सेल्फ को साफ करना पड़ेगा। ये रहा डस्टबिन, चुरा दिया है ढक्कन। तो ये देखिए अभी हो गया है मेरा तड़का, डाल दिया है मैंने दाल इसमें,
इसको मैंने मिक्स दाल बनाया हुआ, इसमें राजमा चना साबुत चना उड़द की दाल है साथ में, और साथ में मूंग है इसमें। तो मैंने सब कुछ मिक्स करके बनाई हुई है दाल। रोज़ रोज़ ना एक ही दाल खा के भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए इसमें जो आपको ये काले काले दाने दिखाई दे रहे हैं ये उड़द की दाल के दाने हैं। जब खिचड़ी का साजा बोलते हैं हमारे यहाँ पर, खिचड़ी का साजा जैसे लोहड़ी का साजा यानी त्यौहार, तो उस वक्त ना मेरे मम्मी डैडी के यहाँ पर मनसा हुआ था, नरसावा बोलते हैं, तो नरसावे में जैसे चावल उसमें उड़द की दाल और मिर्च थोड़ा सा घी नमक वही सब डाल के ना थोड़ा थोड़ा डाल के उनको मनसा जाता है, तो उसको या तो फिर पंडितों को दिया जाता है या फिर घर की बेटी को दिया जाता है जिसकी मैरिज हो गई होती है तो उन्हीं को दिया जाता है, तो उनको नरसावा बोलते हैं। बस वही मम्मी ने मेरे को ज़बरदस्ती दे दिया था, तो ये तो खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हैं तो, और ना ही मेरा देवर पसंद करता है ज़्यादा खिचड़ी, तो मैंने सोचा चलिए पहले तो इनके चावल ही बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थे इसमें ये उड़द के दाने, तो मैंने इसके चावल बना लिए और एक तरफ दाल बना ली। और दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर चला हुआ था इनका काम, यहाँ पर ये चिनाई कर रहे थे यानी गौशाला की चिनाई हो रही थी, और यहाँ पर ये पीछे वाले दिन की क्लिप है, तो उस दिन ना इन्होंने पत्थर निकाले थे तो उस, और ये अब ये दूसरा बैच लगा हुआ है हमारा, तो यहाँ अब दूसरे बैच में हमने ना लेडीज़ लेबर थोड़ी सी बढ़ा ली है, इसमें हमने 10 औरतें कर ली है, पहले 5 थी अब 10 हो गई है, लेकिन उनमें से भी 2 एब्सेंट थी, वो मैरिज में चले गए थे तो इसीलिए फिर साथ ही थी, और साथ में मैं भी हूँ इसमें, मैं भी लेबर का काम कर रही हूँ इसमें साथ में। तो जब ये सब ना यहाँ से पत्थर ढुलाई कर रहे थे तो मैं भी आई हुई थी यहाँ पे पत्थर ढोने के लिए, तो साथ साथ मैंने क्लिप भी बना लिया था इनका, तो आज ना बड़े पत्थर की ढुलाई हो रही थी, पत्थर पूरे नहीं पड़ रहे हैं, जैसे ही हम ना इसकी चिनाई शुरू करते हैं वैसे ही एक या 2 दिन के बीच में ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर दोबारा ढुलाई करना पड़ता है, साथ साथ में रेत भी ढुलाई हो रहा है। और ये देखिए साथ साथ में यहाँ पर रेत भी ढुलाई हो रहा है, ये कुछ इतना काम हो गया है हमारी गौशाला का। और देखिए ये लेके आए हैं रेत ना सड़क के पास फेंका हुआ है, फेंका नहीं हुआ है सॉरी, रखा गया है वहाँ पर, वहाँ से ही लेके आ रहे हैं, ये थोड़ा दूर है, तो कुछ इस तरह के जो यहाँ पर बोरियाँ होती है ना उनके बैग बनाए हुए हैं इन्होंने, तो पीठ में लाद कर ले आते हैं, तो इससे चलने में भी ठीक रहता है और ज़्यादा थकावट भी महसूस नहीं होती है इससे। और ये ला रहे थे मसाला और कुछ इस तरह के बैग बनाए होते हैं देखिए। और फिर ये था शाम का टाइम, 4 बजे का टाइम था, उस वक्त थक गए बैठ गए थे, तो मैंने चाय पिला बना के ले आई थी सबके लिए और सब चाय का आनंद ले रहे थे इस वक्त। और ये ना यहाँ पर ये मैंने ना दिन की क्लिप डाली हुई है, जिस वक्त मैं खाना बना रही थी तो दाल उबलने के लिए रखी हुई थी मैंने, तो यहाँ पर देखिए हमारी किचन पूरी तरह बंद है और सिर्फ ये खिड़की है यहाँ पे, तो जब गैस में ना कुकर उबल रहा था तो कुछ इस तरह का बादल बादल सा बन रहा था ये देखिए। और ये ना ये जो क्लिप आपको दिखाई दे रही है पीछे, ये हैं जिस जब छुट्टी होती है तो 5 बजे के टाइम भी हमें इसी तरह के फ़ोटो लेने पड़ते हैं, और ये शाम का टाइम है जब हम अंगीठी में आग जला के बैठे हुए थे। ये है आज सुबह की क्लिप, आज है संडे और ये जा रहे हैं मंदिर, योग और योग के पापा दोनों ही जा रहे हैं मंदिर, ये सुबह सुबह चले गए थे तकरीबन 8 बजे, दोनों ही जा रहे थे। यदि ना आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।